हेलो गाइस। तो यार आज हम फिल करेंगे CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं। तो यार इसके लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद नीचे जाना है, एक यहाँ पे ये टिक सा दिख रहा होगा, ये क्लिक करना है। देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओके सो ये हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है, इसको मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, देन फिर से आपके पास आता हूँ मैं। तो चलिए 1 मिनट में इसको फिल कर देते हैं। ओके सो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम डाल देना है। नाम वो डालना है जो कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर है। अगर आपके आधार कार्ड में गलत नेम है देन आप जो है करेक्शन करा सकते हैं। 1 महीने का आपको टाइम दिया गया, अभी तक 19 तारीख तक फॉर्म चलेंगे। एंड एक ये क्वेश्चन था कि भैया आइडेंटिटी में क्या डालें, तो यहाँ पर जो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट टाइप आइडेंटिटी सेलेक्ट करके अपने आधार कार्ड के नंबर जो है डाल सकते हो यहाँ पे। देन आपको सिंपल एड्रेस डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पे ओटीपी आएगा। पासवर्ड डालना है, देन यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालनी है, राइट। सो हम डाल के सबमिट कर देते हैं अभी। ओके ओके सो जस्ट आई सबमिटेड, सबमिट पे क्लिक कर दिया गया है। तो जस्ट सिक्योरिटी पिन नॉट मैच ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो जस्ट आप जो है फिर से सिक्योरिटी पिन डालेंगे, जैसे 4 9 1 3 0। ओके सो यार जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होगा। क्लोज पे क्लिक करना है, आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। ठीक है, मैंने अपनी सारी डिटेल चेक कर ली है, मेरे नाम वगैरह सारे सही है। ये जो जो आपसे टिक करवा रहे हो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये सब कुछ दोबारा चेक किया, रिव्यू किया। देन यू कैन एग्री नाउ, सबमिट द ओटीपी। यस पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डालेंगे अब। ठीक है, ओटीपी आपके नंबर पे सेंड कर दिया गया है, तो जस्ट ओटीपी डालेंगे, राइट। ओके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सबमिट हो चुका है। देन फिर से हम कंप्लीट करेंगे इसको, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जाएंगे पहले। ठीक है, तो मेरे को जो है इसकी आंटी की तरफ से मैसेज भी आ गया है इसका, राइट। यार आप जो है अपना कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करें, कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन और तो कोई चक्कर नहीं है इस पे। सो यार पर्सनल डिटेल वाले में कुछ नहीं है, सिंपल एक बस कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आप डाल सकते हो, अपना जो है रिलीजन डाल दो, देन सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर दो, यस। ओके देन फिर से आप ये पूछ रहा आधार कार्ड है, मैंने बोला यस है, देन सबमिट पर क्लिक करोगे, देन जो है फिर से एक विंडो पे लेके जाएगा। देन ये पूछेगा कि आधार कार्ड में डिटेल सही है क्या, तो मैंने कहा सही है। देन जो है आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर डालने हैं, ठीक है, तो मैं भी डाल देता हूँ अपने। सो यार मैं नंबर डाल के जो है डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक करूंगा, और ये पेज मैं आपको नहीं दिखा सकता, आधार कार्ड के नंबर, ठीक है। देन जैसे मैं आधार कार्ड पे क्लिक किया, सबमिट किया, देन ये जो है मेरे पास कुछ कोर्सेस आ गए हैं। अब ये भैया ये कोर्सेज कैसे सेलेक्ट करें मैं तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यार इसके रिगार्डिंग मेरा एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जस्ट आप उसमें से देख सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ P0 ये कोर्सेस, देन फिर मैं अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे पटियाला, पटियाला में नहीं है। सो यार मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन का, कि आप टेस्ट का कौन सा पेपर दे रहे हो, राइट। सो जस्ट जो है आप जिस पेपर में इंटरेस्ट रखता हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि भैया मुझे BA करना है, मुझे MBA करना है, राइट, मुझे BEd करना है, तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारा मिशन कंप्यूटर गारंटेड एडमिशन प्लान भी ले सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो है व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर दिया गया है। एंड जिसके अंदर जो है लास्ट तक, जब तक आपके एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमारी टीम जो है आपकी हेल्प करती है, एंड ही विल प्रोवाइड एडमिशन इन योर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके देन मैं नेक्स्ट पे जैसे ही करूँगा, मेरे से ये जो है कॉलेज पूछेगा, ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था। तो अब मेरे को जो पेपर मीडियम पूछ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश, तो जैसे मैं हिंदी लगा देता हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास इतनी सारी कॉलेजेज आ गई है, राइट, इस कोर्स के लिए। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जस्ट एक दिन में बहुत सारे पेपर होते हैं, तो आप सभी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये भी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप पहले पढ़ सकते हो, या फिर आप स्पेशली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टीम की या फिर काउंसलर्स की या फिर मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसके लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपल 10th 12th की डिटेल में डाल देता हूँ गाइस, ठीक है। तो यार इसमें तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है,
टेंथ की डिटेल आपने डाल दी होगी, नो प्रॉब्लम। ट्वेल्थ की डिटेल में भी कोई इश्यू नहीं है। ट्वेल्थ की डिटेल में जस्ट मैं परसेंटेज डाल देता हूँ अभी, एंड ग्रेजुएशन की डिटेल भी आप डाल दो जल्दी से। ओके एंड अब जो है सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सेव एंड सबमिट, यस राइट। तो यार ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किसी नेशनल लेवल एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप हो रहे हैं देन आप जरूर अप्लाई करिए, इससे कि जो है आपकी डेट वगैरह डिसाइड करने में इनको आसानी हो जाती है। कि बीच में कोई नेशनल एग्जाम आ जाता है जैसे NDA, जस्ट लाइक SC एग्जाम अगर आपको देने वाले हैं, या फिर PCS या फिर PG वाले बच्चे स्टेट के बहुत सारे एग्जाम देते हैं, तो जस्ट आप उसमें मेंशन करें, ठीक है। अब हम फोटोज वगैरह अपलोड कर देते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं जो है फॉर्म अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है फोटो में कुछ इश्यू आ रहा है। आई थिंक दिस इज नॉट अपलोडेबल, राइट। एंड मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कुछ एरर आ रहा है आई थिंक, एंड ये अपलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो जस्ट आप जो है एडिट कर सकते हो फोटो को और जस्ट इसमें डाल सकते हो, ठीक है। एंड अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड योर स्कैन फाइल इज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, काइंडली अपलोड न्यू वन। यानी कि इसकी डायमेंशन एंड अदर अदर थोड़ी चेंजेज है, तो जैसे और आगे कुछ है नहीं। सिंपल आप ये फोटो करने के बाद एक बार आपको जो है फॉर्म को रिव्यू करना है, एंड आफ्टर रिव्यू द फॉर्म आपको क्या करना है, आप जस्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली और अपने जो है पेज को प्रिंट कर ले, प्रिंट आउट निकाल ले उसका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।